मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल. यस्टरडे वी हैव कंप्लीट योर इंग्लिश बुक चैप्टर 2 एट द जू, क्वेश्चन एंड आंसर. टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन बी एंड क्वेश्चन ई. सॉरी, क्वेश्चन सी ये आपके बुक में नहीं है. ओनली जो वर्ड मीनिंग्स हैं मैं उसको मैच द फॉलोइंग बना दी और फिर जैसे ऑपोजिट्स हैं और उसको हम लिखेंगे. ओके, राइट एंड ऑपोजिट्स, ये दोनों चीज़ आज हम करेंगे, बी एंड सी. ओके, ओनली क्वेश्चन आंसर ही है आपके बुक में, लेकिन ये न्यू तरीके से हम इसको पढ़ेंगे और लर्न करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन. बी, रिविजन वर्क जैसे आप लोगों की चल रही है तो अच्छे से इसको ध्यान से देखना है. मैच द फॉलोइंग. मिस द फॉलोइंग मिस करना है आपको. वन में लिखेंगे वर्ड मीनिंग्स जो है स्ट्रिप्स, का मतलब क्या है लीकिंग, लीकिंग का मतलब अर्थ क्या है. थ्री, हर्ट, इसका मीनिंग क्या है. फोर, क्लाइम, इसका अर्थ क्या है. देन फाइव, फन, इसका अर्थ क्या है हम लिखेंगे. ओके, ये वन साइड हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव. देन अदर साइड हम लिखेंगे अ बी सी डी एंड ई. ठीक है बच्चों, टेस्टिंग विथ टंग, टेस्टिंग विथ, टेस्टिंग विथ टंग. बी में लिखेंगे लाइन्स, सी में लिखेंगे एंजॉयमेंट. Then caused pain. E go up. ठीक है, तो स्ट्रिप्स का मतलब होता है लाइन्स. जैसे कि जेब्रा की एट द जू में हम देखें कि जेब्रा जो है उसके जो बैक साइड में क्या था, स्ट्रिप्स, है ना, लाइन्स खींची हुई थी, है ना. अगर ब्लैक ब्लैक कलर की लाइन. ओके, तो स्ट्रिप्स का मतलब है लाइन्स. लीकिंग, जैसे कि दो बच्चे क्या कर रहे थे एट द जू में, कुछ चीज़ खा रहे थे. क्या खा रहे थे आपको याद है क्या? वो खा रहे थे आइसक्रीम. तो क्या हो रही थी, अपने टंग में वो टेस्ट कर रहे थे और वो लीकिंग होके नीचे गिरे थे. ओके, तो टेस्टिंग विथ टंग. और हर्ट मीन्स जैसे कि हम वहाँ पे देखें एक बिग एनिमल्स कौन है, जो एलिफेंट है. एलिफेंट का क्या है, उसमें एक बात लिखा हुआ है कि एक इतना बड़ा एनिमल्स है लेकिन एक छोटे से चिड्डी के द्वारा क्या हो सकता है, हर्ट हो सकता है. इसका मतलब है कास्ट पेन. क्लाइम मीन्स गो अप, ऊपर. ठीक है, जैसे कि मंकी के जो एक्टिविटीज हैं. फन मीन्स एन्जॉयमेंट, तो एक फैमिली क्या किए एट द जू में, एन्जॉयमेंट किए. नेक्स्ट क्वेश्चन सी, सी में देखेंगे राइट एंड ऑपोजिट. राइट एंड ऑपोजिट्स, विपरीत शब्द. वन, ब्यूटीफुल. टू, बैड. थ्री, स्ट्रॉन्ग. फोर, टॉल. फाइव, ब्लैक.
सिक्स नीट देन सेवन क्विक क्यू यू आई क्विकली क्विकली देन एट एंग्री इसका ऑपोजिट वर्ड्स ब्यूटीफुल का क्या होगा सुंदर असुंदर अगली और बाय का खरीदना सेल करना बेचना स्ट्रॉन्ग का वीक टॉल शॉर्ट टॉल मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा ब्लैक ये ब्लैक बोर्ड ब्लैक है और ये चौक कैसा है व्हाइट है तो ब्लैक का ऑपोजिट है व्हाइट नीट साफ सुथरा एकदम तो नीट अनटीडी जो गंदा रखते हैं अपने रूम को क्विकली जल्दी जल्दी वर्क करते हैं बच्चे और बहुत गंदे राइटिंग लिखते हैं उन्हें स्लोली एंग्री जो लाइन को हम देखें कोई कोई बच्चे बहुत गुस्से हो जाते हैं तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए ओके क्या होगा हैप्पी खुश रहना चाहिए हैप्पी ठीक है ये था आपकी आज की जो रिवीजन वर्क है चैप्टर टू का इंग्लिश बुक आप जस्ट स्टेपिंग स्टोन बुक की जो रिवीजन वर्क चैप्टर टू मैच द फॉलोइंग और राइट एन ऑपोजिट्स तो बच्चों इसको आपको क्या करना है नोटबुक में लिखना है और उसके साथ साथ उसको लर्न भी करना है ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे मे गॉड ब्लेस